आज मैंने बहुत सारी रील बनाई है इंस्टाग्राम पे इसके साथ में, लेकिन मुझे डांस वांस नहीं आता, आप जानते हो, बोलना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं हूँ बरेली में। बरेली अपने होम टाउन हूँ, अपनी दीदी के घर पे। हालांकि मेरा होम टाउन दूसरा है, लेकिन अभी मैं दीदी के घर पे हूँ। तो होम टाउन जाऊँगा आज अपने होम टाउन जाऊँगा, अपने गाँव जाऊँगा, वो सब दिखाऊंगा। और अभी मैं हूँ अपनी दीदी के घर पे। मेरे दीदी का घर है भीटानाथ मंदिर के सामने। बरेली में भीटानाथ मंदिर काफ़ी फेमस है, क्योंकि एवरी मंडे यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, काफ़ी लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आते हैं भोलेनाथ जी को, और यहाँ पे सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये मेरी दीदी का घर है, ये दुकानें हैं, और जस्ट ये दुकानें हैं इनकी, और इधर उन्होंने अपना घर बनवा लिया। ये मेरी भांजी है, हेलो हेलो। तो ये मेरी भांजी राधा है, ये यहीं पे रहते हैं। तो आज हम इधर ही हैं, सुबह आ गए थे, तो आज हम घूमेंगे अपना गांव और अपना सिटी बरेली। तो बरेली में कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, सब कुछ बताएंगे, और यहीं पे खाएंगे अभी खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। तो लंच ही मान लो, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा था, मैं थोड़ा काम से निकल गया था अपने कहीं पे, है ना, तो काम फिनिश करके आ गया हूँ। तो आज के ब्लॉग में काफ़ी मजे आएंगे, ब्लॉग लास्ट तक देखना। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते बरेली से। तो गाइस, पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो को टूर प्लान हमारे साथ, बन भी है रॉन ट्रिप, कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में इस नंबर पे, हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिकल, इनोवा, वैगन आर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस, मैं बैठ गया हूँ लंच करने के लिए। लंच है एकदम बढ़िया वाला है, पूरी है, चाप है जो मेरी फेवरेट है, और ये साग है, और बाकी का यही खाना है मस्त वाला। मेरी दीदी को गर्म गर्म पूरी बनाई। हेलो दीदी, हेलो, कैसे हो, बढ़िया? और आधा देखो नई सब्जी बना रही है, लेकिन मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं फटाफट खाना खा रहा हूँ, और वो सब्जी बनेगी बाद में खा लूँगा। तो भूख लग रही बहुत ज़्यादा है ना, तो खाना फिनिश करते हैं फिर चलेंगे घूमने। तो गाइस, सुबह से मैं इधर ही था बड़ी वाली दीदी के घर पे। देन ये देखो बड़ी वाली दीदी का नया घर बना, ये पुरानी वाली इनकी दुकान है। तो इधर ही मैं सुबह से बहुत सारी रील बना रहे थे हम राधा के साथ में। ये मेरी भांजी है, और इसका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट क्या नाम है, राधा डांसर। तो इसी के साथ मैंने बहुत सारी रील बनाई है फनी, मुझे डांस तो करना आता नहीं है। राधिका डांसर है इसका, राधिका डांसर है इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई नहीं। और आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके देखो ना, तो इसका इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा ना वहीं से। तो फटाफट जाके फॉलो करो, और हमारी फटाफट फनी वीडियो देखो। आज मैंने बहुत सारी रील बनाई है इंस्टाग्राम पे इसके साथ में, लेकिन मुझे डांस वांस नहीं आता, आप जानते हो, बोलना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ सीधे बुआ जी के घर पे, फिर छोटी दीदी के घर पे, फिर जाऊँगा गाँव, ऐसे चलता रहेगा। अभी अभी निकल रहा हूँ घूमने के लिए। चलो भाई, मिलते हैं बुआ जी के घर पे पहुँच के, देन बाय। तो गाइस, मैं पहुंच गया अपनी बुआ जी के घर पे। मेरी बुआ जी का घर सामने ही है, लेकिन आगे काम चल रहा है, पता नहीं क्या ना, तो गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी, तो गाड़ी मैंने जस्ट यहाँ पे लगा दी अपनी बाहरी मेन रोड पे ना। अभी चलते हैं बुआ जी के घर पे, और देखते हैं कौन कौन मिलेगा। देन देखो, ये हेलो कर रही है, हेलो है ना। तो आगे रोड बन रहा है ना, यहाँ पे देखो बजरी पड़ी हुई है, इस वजह से गाड़ी इधर जा नहीं सकती है। और सामने ही है वो केले का पेड़ है ना, वहीं पे है बुआ जी का घर। चलो भाई, मिलते हैं घर पहुँच के। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपनी बुआ जी के घर पे, और ये हमारी भतीजी, फुफेरे भाई की बेटी है। देन हेलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो क्या नाम है आपका, बोलो एक बार नाम बताओ, क्या बताया था अभी, जल्दी बोलो, बताओ नाम बताओ। नित्या, नित्या है, नित्या नाम है ना आपका। बस अभी बच्ची शर्मा आ रही है थोड़ी सी, और मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, जल्दी बोल दो फटाफट, बोलो चाचू को, चाचू अब कहाँ से कौन जानेगा, साल में डेढ़ साल में एक बार आना होता है ना बेटा, जब आया था पहले बहुत छोटी थी। चाचू हूँ मैं, बिक्की चाचू, दिल्ली है ना, बोलो मेरा चेहरा देख रही है ना नित्या, हाय हाय। और ये है मेरी बुआ जी, बुआ जी राम राम। राम राम, कैसी हो, बढ़िया बढ़िया। और ये मेरे फूफा जी, फूफा जी राम राम, राम, राम बढ़िया हो, बढ़िया एकदम। अभी मैं अपने बुआ फूफा के घर पे बैठा हूँ, और भाभी जी चाय बना रही है, तो चाय पियेंगे हम नित्या, है ना, अभी भाभी जी आएंगी, और भाभी का किचन सामने ही है, लेकिन समझ रहे बड़ा अभी चाय बन के आएगी, फिर चाय पीएंगे, है ना, ठीक है, बाय बोल दो, बाय बाय बोलो, बाय, बात करेगी भाई, देखो अभी शर्मा आ रही है थोड़ी सी बच्ची, अभी चाय आएगी फिर बोलेगी, है ना। क्या नाम है आपका, जल्दी बोलो, बोलो नित्य पटेल, नित्य पटेल। पापा का क्या नाम है, कुलदीप पटेल, कुलदीप पटेल। मम्मी का क्या नाम है, अम्मी जान गई है, हाँ क्या नाम, मम्मी का क्या नाम, मम्मी का नाम बताओ, मम्मी का नाम बोलो, अम्मा, हाँ तो ही करेंगे, मम्मी का नाम, मम्मी का नाम क्या है, So guys, मैं पहुंच गया अपनी छोटी दीदी के घर पे, बुआ के घर से निकला, फिर छोटी दीदी घर पे पहुंच गया, छोटी दीदी के घर से गेहूं उठाने थे, क्योंकि हमारा सारा गेहूं धान ना छोटी दीदी के घर पे रहता है, तो यहाँ पे वो गेहूं स्टॉक करने का ना होता ना, वो यहीं पे है हमारा, तो इधर ही गेहूं स्टॉक कर रखे हैं। तो गेहूं के चार कट्टे मैंने ले लिए, तकरीबन 1.5 से 2 क्विंटल गेहूं रख लिए गाड़ी के अंदर। यह मेरी छोटी दीदी का घर, वो छोटी दीदी है,
और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। चलो अब जाएंगे, घर नहीं जा पाऊंगा मैं, अपने अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, तो यहाँ से जाऊंगा सीधे बड़ी दीदी के घर पे, वहाँ पे थोड़ा सामान और कलेक्ट करना है और रखना है, और फिर ये दिल्ली निकलेंगे, है ना। चलो भाई चलते हैं। बाकी देखो छोटी दीदी, हेलो, कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। और ये देखो मेरे भांजा, हेलो, कैसे हो? बढ़िया लली। हेलो लली, हेलो बोलो। हेलो हेलो। बच्चे बोलते नहीं है, शर्माते हैं थोड़े। चलो भाई चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में बड़ी दीदी के घर पे पहुँच के। सो गाइस फिर से मैं पहुंच गया अपनी बड़ी वाली दीदी के घर पे, वही बीटानाथ मंदिर पे, है ना। इस सामने वही बीटानाथ मंदिर हो गया, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और इनके घर के बाहर लाइटें जल रही हैं कलरफुल, देख रहे हो ना। अब यहीं पे हमारा थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाएगा, बाकी छोटी दीदी भी बोलते रहे खाना खा लो, लेकिन बड़ी दीदी ने बोल दिया था कि खाना यहीं पे खाना, क्योंकि हम बना रहे हैं आपके लिए। तो हमने छोटी दीदी से बोल दिया अभी खाना नहीं खाएंगे, खाना आपके घर पे खाएंगे बाद में, अभी बड़ी दीदी ने बोल दिया तो बड़ी दीदी घर पे खाएंगे। बाकी हर बार छोटी दीदी के घर पे ही खाते थे ना। ये देखो कितना बढ़िया बोर्ड लगा रखा ना, अभी गेट टिक टिक करता हूँ तो खुलेगा, देखना। अब आज आ गई, खुली है। चलो चलते हैं अंदर और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं बड़ी वाली दीदी के घर से, खाना पीना खा लिया, टाइम की बात करें तो टाइम हो गया 11:05, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो दादा को और दीदी को बोलते हैं बाय बाय बाय, चलो फिर मिलेंगे, और देन बरेली को बोलते हैं बाय बाय, देखते हैं बरेली नेक्स्ट टाइम कब आना रहेगा और कब घूमेंगे बरेली। फिलहाल आ जाता नहीं घूम पाया, सोचा था गाँव जाऊँगा अपने, लेकिन नहीं जा पाया टाइम की कमी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जगह जाना हो जाता है, बुआ के घर गया, छोटी दीदी घर गया, बड़ी दीदी घर गया, हर जगह से सामान उठाया जो भी ले जाना था, तो गाड़ी अपनी फुल हो चुकी है। और अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो रास्ते में कहाँ कहाँ रुकेंगे और क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, इसके अलावा कुछ खाएंगे नहीं, खाना यहाँ खा रखा है ना। चलो भाई मिलते हैं रास्ते में, बहुत गए इन लोगों को बोलते बाय। घर से निकल के रास्ते में कहीं नहीं रुका, डायरेक्ट घर आके रुका हूँ, अभी पहुँच गया अपने घर दिल्ली। टाइम हो गया है 5:15, आए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है, और मेरे घर वाले भी उठ गए हैं सो के। पापा मेरे वही भागवत गीता पढ़ रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में एवरीडे पढ़ते हैं, और मैं चाय बना रहा हूँ और परमल भूंढ रहा हूँ देसी घी में, जो न्यूजीलैंड वाले सर ने देसी घी दिया था ना उसी घी में परमल भूंढ रहा हूँ। और ये देखो चाय खोल रही है अपनी, परमल खाएंगे और चाय पियेंगे ना, इसलिए रास्ते में कहीं रुका नहीं था। चलो घर जाके ही करेंगे नाश्ता पानी, दस आ रहा है बहुत, भून गए। चलो भाई करते हैं इसे फिनिश और फिर मिलते हैं। सो गाइस चाय पी के और परमल खा के मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करेंगे, फिर अपलोड कर देंगे, लेकिन ऐसा सो गया कि उठा ही नहीं, उठाऊँ 11:10 हो रहे हैं और अब सो के उठाऊँ, अब ब्लॉग एडिट किया मैंने तो ब्लॉग आज का लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज कोई काम था भी नहीं, दोपहर से निकलेंगे दिल्ली से कहीं बाहर, आज दोपहर से 3-4 बजे कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, राइडर कौन रहेंगे, वो सब बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अब इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं एंड, दोपहर से निकलेंगे फिर करेंगे नया ब्लॉग स्टार्ट, है ना। तो लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिए ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है आगरा मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन बरसाना हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मसूरी शिमला मनाली नैनीताल जयपुर जोधपुर पुष्कर अजमेर खाटू श्याम सालासर मेहंदीपुर बालाजी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।